चलो, अब मैं आज आपको एक नया सा टॉपिक सिखा रहा हूँ। ये टॉपिक है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके बुक का, ठीक है। इस टॉपिक का नाम हमने दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले एक बार वापस से 11th वाली डेफिनेशन याद करते हैं कि ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? फॉर्म में से कुछ पैसा नहीं दिया था। राइट इनफ। सो अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज बेसिकली टर्म्ड एज ड्राइंग्स, ठीक है। जब कभी भी ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ करता है, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बड़ा सिंपल सी बात है। पॉइंट की बात यह है कि हमें अब इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। हमें इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट इसलिए लगाना पड़ता है, अगर हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो सपोज कर लो फर्म में अगर 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, अगर हमने इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाया तो सारे पार्टनर पैसा घर ले जाने की जल्दी करेंगे कि मैं भी घर लेके जाऊंगा, प्रॉफिट हो गया, चलो मैं भी घर लेके जाता हूँ, प्रॉफिट हो गया, तो सब घर लेके जाना चाहेंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया कि जब भी एक पार्टनर ड्राइंग करेगा, उस ड्राइंग पे हमने बोल दिया कि हम एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो पार्टनर को देना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट डिपेंड करता है कितना होगा, कुछ नहीं कहा जाए तो मोस्टली 10% के आसपास का इंटरेस्ट रहता है। बाकी आपको हर बार क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, बट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट होती है। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सी चीज कहता है कि चलिए हम मानते हैं कि हमारा ओनर मंथली विड्रॉ करता है। मंथली विड्रॉ करता है मतलब 3 सिचुएशन, लेट अस सपोज 3 पार्टनर्स है। पहला है पार्टनर ए, दूसरा है पार्टनर बी, तीसरा है पार्टनर सी। इन तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने महीने ड्रॉइंग करेंगे, बट सबने अलग अलग तारीख पकड़ ली। पहले पार्टनर ने कहा मैं हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करूंगा, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को। दूसरे पार्टनर ने कहा मैं हर महीने के मिड में विड्रॉ करूंगा, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को लगभग। और तीसरे ने कहा मैं हर महीने की एंड में विड्रॉ करूंगा, यानी कि लगभग लगभग 30 तारीख, ठीक है, 31 30 एक ही समझ लो एक तरीके से। तो तीनों पार्टनर ने अपने अलग अलग दिन डिसाइड कर लिए। एक ने कहा मैं हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करूंगा, दूसरे ने कहा मैं हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करूंगा, और तीसरे ने कहा हर महीने की 30 तारीख को। इसलिए मंथली ड्रॉइंग में 3 सिचुएशन है, पहला है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। अब हमारा सवाल यह है कि हमें इंटरेस्ट कैसे गिनना है। अगर एक पार्टनर साल में 12 बार ड्रॉइंग करेगा हर महीने की पहली तारीख को, तो इंटरेस्ट कैसे गिनेंगे? ये आदमी भी साल में 12 बार ड्रॉइंग कर रहा हर महीने की 15 तारीख को, इंटरेस्ट कैसे गिने? और ये आदमी भी साल में 12 बार ड्रॉइंग कर रहा हर महीने की एंड में, तो इंटरेस्ट कैसे गिने? तो लॉजिकल तरीके से देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज ए विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपए, बी विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपीज, और सी विड्रॉ कर रहा है 7,000 रुपीज, ठीक है। हमने एक बेसिक अमाउंट अज्यूम कर ली है, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साल स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो पहला महीना आएगा अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, बराबर है। तो हमने देख लिया कि हर पार्टनर इतनी इतनी तरीके से ड्राइंग्स कर रहा है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ओके। पहले वाले पार्टनर ने पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, उसने पहली बार बिजनेस से विड्रॉ किया होगा 5,000 रुपया 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके साल खत्म होने तक, यानी कि 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 12 महीने, वेरी गुड। तो पहली ड्राइंग पे उसको 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी ड्राइंग उसने की 1 मई को, 1 मई से साल खत्म होने तक कितने महीने बचे? 11, वेरी गुड। तो दूसरे पे 11 महीने का इंटरेस्ट, एंड सो ऑन। तीसरे पे 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट पे 0 महीने का, राइट? लास्ट वाइज, सॉरी, लास्ट पे 1 महीने का, 0 नहीं आएगा। लास्ट ड्रॉ की होगी उसने 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना, खत्म हो गया कहानी। सेम वे ये दूसरा वाला पार्टनर है, ये हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहा है, मतलब इसने पहले ड्रॉइंग की होगी 30 अप्रैल को, कितने महीने बचे उसके बाद? 11 महीने, 11 11, 1 महीना तो जा चुका है, तो 11 महीने, राइट। बाद में 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आखिरी ड्रॉइंग इसने कब की होगी? 31 मार्च को, मार्च महीने में की होगी 31 मार्च, कितने महीने बचे उसके बाद?
कुछ नहीं, तो लास्ट वाले में आ जाएगा जीरो, राइट। इसका टोटल कर लेते हैं। और इस भैया ने तो हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ की। पहली ड्रॉइंग कब की होगी? 15 अप्रैल। कितने महीने बचे? 15 दिन अप्रैल के, और 11 महीने, मतलब 11.5 महीने बचे। तो पहली ड्रॉइंग में बचेंगे 11.5 महीने, फिर 10.5, फिर 9.5, फिर 8.5, फिर 7.5, फिर 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, और लास्ट में आधा महीना, क्योंकि आखिरी ड्राइंग की होगी 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? सिर्फ 15 दिन, तो आधा महीना, राइट। अब इंटरेस्ट कैसे गिनेंगे वो समझो। इसने 5,000 विड्रॉ किया, 12 पहली, तो 12 महीने का इंटरेस्ट। दूसरे 5,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट। तीसरे 5,000 पे 10 महीने का इंटरेस्ट। चौथे 5,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट। पांचवे 5,000 पे 8 महीने का इंटरेस्ट। ऐसे 12 बार इंटरेस्ट गिनू, इससे अच्छा टोटल कर देता हूं मैं इसका। इसका टोटल आ गया 78। तो सीधा 7 महीना निकाल दूं कि 5,000 पे 12 महीना, 5,000 पे 11 महीना, 5,000 पे 10 महीना, 5,000 पे 9 महीना, क्यों ना डायरेक्ट कर दूं 5,000 पे 78 मंथ, काम खत्म। तो मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालूंगा। 5,000 मेरी ड्रॉइंग्स थी, इंटरेस्ट रेट सपोज 10% था, सीधा 78 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दूंगा। अलग अलग क्यों निकालू? पहले 12, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, क्यों करूं? डायरेक्टली टोटल कर दूंगा। करके बताओ बच्चा कितना आंसर आएगा? 5,000 इंटू 10/100 इंटू 78/12, क्या आंसर है? 325, 3250, 3,250। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, दैट्स इट, डायरेक्टली आंसर आ गया। चलो सेम वे सेकंड का निकालते हैं, मिड ऑफ द मंथ वाले का। वो कितना विड्रॉ कर रहा है? ये हो गया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, दिस इज फॉर बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब मिड वाले का निकालते हैं। तो वो विड्रॉ कर रहा है 6,000, इंटरेस्ट रेट 10%, और इसका टोटल करोगे तो तुम्हारा टोटल आएगा 72। तुम कर लेना आराम से, ठीक है, इंटू 72/12। बताओ कितना आएगा दोस्तों? 3,600। तो मिडल वाले का आंसर आ गया 3,600। अब एंड वाले का निकाल के बताओ। एंड वाला विड्रॉ कर रहा है 7,000, परसेंटेज है 10 ही, और कितने होंगे टोटल करोगे तो आएगा 66। तो 66/12 कितना है दोस्त आंसर? 3,850। ये आ गया एंड वाले का। तो ये हो गया बिगनिंग वाले का, ये हो गया मिडल वाले का, और ये हो गया एंड वाले का। समझे बच्चा? वापस से पूरा लॉजिक के साथ समझो मैंने क्या समझाया। मैंने आपको समझाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे लगता है। अगर मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो महीने में 3 सिचुएशन होती है, आइदर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, आइदर मिड ऑफ द मंथ, आइदर एंड ऑफ द मंथ, बराबर है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा मतलब हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन। मिडल होगा तो हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन। एंड ऑफ द मंथ होगा मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, आप 30, 31 लिखो चलेगा, डजेंट मैटर्स, राइट। तो हर महीने के एंड में हो गया। तो बिगिनिंग वाले में साल चालू होगा 12 महीने से, तो पहले 12 महीने के इंटरेस्ट, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, टोटल करोगे आंसर आ जाएगा 78 मंथ। मिडल वाले में आएगा 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, टोटल करोगे तो आंसर आ जाएगा 72। और एंड वाले में आएगा 11, 9, 10, 9, 8, 7, टोटल करोगे तो आंसर आएगा 66। सीधा आंसर निकाल दो फिर। कितना ड्रॉइंग्स था? 5,000, परसेंटेज कितना है? 10% इंटू 78/12। तो जब बिगिनिंग होगा हम लगाएंगे 78/12, मिडल होगा 72/12, और एंड होगा 66/12। याद रहेगा दोस्तों? चलिए आप लोग सब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट। आपकी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर कौन सा है दोस्त? पेज नंबर 14 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप लोग खुद ट्राई करेंगे जल्दी से।